तो भाई लोग, मैं हूँ काशिफ, और आप देख रहे हैं बोली किंग। आज हम बात करने वाले हैं कल की मूवी के डे 14 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है दोस्तों, इसकी ऑक्यूपेंसी की बात करेंगे, ओवरसीज कलेक्शन कितना है दोस्तों उसका, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना, टोटली सारी बातें करने वाले हैं कल की मूवी के 14 दिन के बारे में। बाकी वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। भाई साहब, यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों आप सबको तो पता है कि कल की मूवी से जो उम्मीदें लगाई जा रही थी भाई साहब, यहाँ पर उस उम्मीद के हिसाब से कल की मूवी बॉक्स ऑफिस पर खरी नहीं उतरी भाई साहब। यहाँ पर देखा जाए तो ट्रेड फिगर कुछ और आ रहा है दोस्तों, रियल फिगर कुछ और आ रहा है दोस्तों, प्रोड्यूसर फिगर भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो सर पकड़ने का मन करता है जब प्रोड्यूसर दोस्तों अपना कलेक्शन देते हैं। भाई हमारी फिल्म ने इतना कलेक्शन कर लिया दोस्तों, प्रोड्यूसर चाहे तो भाई साहब ये फिल्म को भाई 2000 करोड़ का टैग लगा दे, लेकिन दोस्तों उसके बाद रियल कलेक्शन भी होते हैं जो कि वेबसाइट के द्वारा दोस्तों सबको देखे जाते हैं। अगर भाई कलेक्शन वेबसाइट पर ना होते भाई, प्रोड्यूसर तो भाई कुछ भी बोल देते कि हमारी फिल्म ने 1500 करोड़ रुपये कमा रही है भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो। अब बात करते हैं डे 14 की मोनी ऑक्यूपेंसी की, हम हिंदी की बात करेंगे, हिंदी 2D और 3D की एक साथ की ऑक्यूपेंसी की बात करेंगे। तो कहीं मोनी ऑक्यूपेंसी की बात करें भाई, वो 9.17%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी की बात करें 13.87%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी ने थोड़ा सा उछाल नहीं मारा दोस्तों, यानी कि सेम चीज़ 14.20%, नाइट ऑक्यूपेंसी की बात करें दोस्तों 18% भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो। दिन है थर्सडे से, मूवी के हिसाब से सेकेंड थर्सडे से बोलेंगे, बाकी दिन है 14 दिन, 14वें दिन दोस्त की एडवांस बुकिंग हुई तकरीबन दोस्तों, जो रिपोर्ट हमारे पास आई है तकरीबन 50 लाख के आसपास इसकी एडवांस बुकिंग हुई है, और इनने जो कलेक्शन करा दोस्तों तकरीबन दोस्तों यहां पर देखा जाए तो 7 करोड़ 5 लाख रुपए इन्हें कमा लिए हैं। इसी के हिसाब से इसका जो इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 536 करोड़ 75 लाख रुपये, इंडियन ग्रोसर की बात करें 629 करोड़ 7 लाख रुपये, ओवरसीज़ के अंदर 230 करोड़ रुपए कमा चुकी है, टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 860 करोड़ रुपए हो चुका है भाई साहब यहां पर देखा जाए तो। इसी के हिसाब से डे 14 के अंदर हिंदी के अंदर इनने 4 करोड़ 5 लाख रुपए कमाए, वहीं दोस्तों बाकी तमिल तेलुगु के अंदर इनने मिलाकर दोस्तों तकरीबन 3 करोड़ के आसपास इनने कलेक्शन कर लिया है भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो। इसी के हिसाब से इसकी जो, अब बात करते हैं दोस्तों डे 15 की, इसकी जो एडवांस बुकिंग है वो कितनी हुई है तकरीबन दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। डे 15 की दिन है दोस्तों थर्सडे, यानी कि हिंदी में बोलते जुमेरात, इसको सेकंड थर्सडे बोलेंगे। तो क्या इसकी जो रिपोर्ट जो हमारे पास आई है ऑल लैंग्वेज मिलाकर इसकी जो एडवांस बुकिंग हुई है तकरीबन 60 लाख से लेकर 70 लाख के अराउंड में इसकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, और हमारे हिसाब से ये जो कलेक्शन कर सकते हैं यानी कि आज के दिन यानी कि डे 15 के दिन दोस्तों 6 करोड़ से लेके 7 करोड़ के बीच में यह कलेक्शन करेगी 100%। बाकी इस मूवी के बजट की बात करें दोस्तों 600 करोड़ से ज़्यादा इस मूवी का बजट है। बाकी मूवी के बजट की बात करें भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो, इसके कलेक्शन को देखें भाई, दोनों का जो डिफरेंट है वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो तकरीबन 260 करोड़ रुपये ने ज़्यादा कमाया अब तक, जो कि डे 14 के अंदर जो रिपोर्ट हमारे पास आई है। और इस कलेक्शन को दोस्तों मैं ज़्यादा कलेक्शन नहीं दूंगा दोस्तों, क्योंकि भाई जब किसी मूवी का बजट होता है उससे डबल कमाने चाहिए, यानी कि अगर इस मूवी का बजट 600 करोड़ है तकरीबन 1200 करोड़ इसे कमाने ही चाहिए दोस्तों, जब जाकर इसका हिट का या ब्लॉकबस्टर का टैग दोस्तों मिलेगा भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो। फिलहाल दोस्तों अब इसके जो टोटल जो अब तक जो कमा चुकी है 860 करोड़ रुपये कमा चुकी है, और मेरे हिसाब से दोस्तों ये 900 करोड़ के आसपास भाई साहब लाइफ टाइम कलेक्शन इसका हो पाएगा। बाकी आप कल की मूवी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो।